मैं सारे ओ बिल्ली बिल्ली अख गोरिए ओ बिंदी मुंडे अन पट गोरिए तेरे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल की शादी के बारे में कि इनके सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा इस शादी से क्यों नाराज हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग सोनाक्षी सिन्हा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, सोशल मीडिया पर सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल खूब सुर्खियों में चल रहे हैं और इनकी शादी की तारीख भी फिक्स हो गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 23 जून 2024 को इनकी शादी होने वाली है। सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल 4 साल से रिलेशन में थे और इन्होंने इनके पिछले साल बर्थडे पर इनको प्रपोज कर दिया था और उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा ने भी इनके प्रपोज को एक्सेप्ट कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर इकबाल भी प्रोफेशन से एक मॉडल एक्टर हैं और वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। दोस्तों हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा की न्यू मूवी आई है जिसका नाम हीरा मंडी है और इस मूवी में इनके लुक को देखकर लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं जाहिर इकबाल के बारे में। इनकी फैमिली में मम्मी पापा और इनके फादर बिजनेसमैन हैं और सलमान खान के अच्छे दोस्त भी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर इकबाल कैसे आपस में मिले थे शुरुआत में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो कि इनके फादर जाहिर इकबाल के फादर सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उस वजह से ही जाहिर इकबाल ने सलमान खान के साथ पहले तो असिस्टेंट के रूप में काम किया। उसके बाद जाहिर खान को सलमान खान ने बहुत सारी मूवी में काम करने का ऑफर भी दिलवा दिया और इनकी पहली मूवी आई थी नोटबुक जो फ्लॉप रही थी। और उसके बाद इनकी दूसरी मूवी ब्लॉकबस्टर आई थी जो कि सोनाक्षी सिन्हा के साथ थी और ये मूवी भी काफ़ी हिट रही थी। और दोस्तों इनकी मुलाकात भी सलमान खान के थ्रू ही हुई थी। जब सोनाक्षी सिन्हा साल 2012 में दबंग 2 मूवी में काम कर रही थी सलमान खान के साथ में, तब सोनाक्षी सिन्हा और जाहिर खान की मुलाकात पहली बार हुई थी और सलमान खान ने ही जाहिर खान से सोनाक्षी को मिलवाया था। और उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा को इनके साथ काम करने का मौका भी मिल गया। इनके साथ में पहली फिल्म हुई थी और तब से ही इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी और इन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी इनकी शादी से राजी नहीं हैं क्योंकि सोनाक्षी ने अपनी शादी के बारे में अपने घर पर कोई बात नहीं की। बस इसी वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा इनकी शादी से नाराज है क्योंकि इनके घर का नाम रामायण था और इनके भाइयों का नाम लवकुश है और इनके शत्रुघ्न सिन्हा के भाइयों का नाम भी भरत लक्ष्मण इनके नाम पर ही रखा गया था। और सोशल मीडिया पर इनको खूब ट्रोल किया जा रहा है कि जब तुम्हारे घर का नाम रामायण था तब तुमने मुस्लिम लड़के से क्यों शादी कर रही हो। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस बात के खिलाफ है कि मुस्लिम लड़के से शादी क्यों कर रही हो, लेकिन जब इनकी पसंद है तब ये इसीलिए शादी इनसे कर रही है। इनका रिलेशन 4 साल से चल रहा था और इन्होंने एक दूसरे को प्रपोज भी कर दिया था। दोस्तों जब मीडिया वालों ने शत्रुघ्न सिन्हा से इनकी शादी के बारे में पूछा कि वे मुसलमान से क्यों शादी कर रही है, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने उनको अपनी बातों से घुमा दिया कि आजकल के बच्चे ऐसे ही है। आजकल के बच्चे अपने प्यार को लेकर अपने घर वालों से पहले ही बता देते हैं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करने वाली हूँ। और ऐसा ही सोनाक्षी सिन्हा ने भी किया। और दोस्तों आने वाली 23 जून 2024 को इनकी शादी है और इनकी शादी का फंक्शन शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में किया जाएगा। दोस्तों क्या आप लोग भी इनकी शादी से खुश हैं, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग सोनाक्षी सिन्हा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी